कैसा कैसा लोग टॉपर हो जाता था, याद है ना, क्या पूरे बिहार की बेइज्जती होती थी। यानी आदमी शर्म में डूब जाता था, ऐसी स्थिति होती थी। अब जो नई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है विद्यालय परीक्षा समिति ने और नया कानून भी हम लोगों ने बना दिया, अब इसके बाद बहुत कम समय में रिजल्ट आता है। और बता दीजिए कि 2 साल से रिजल्ट में कोई गड़बड़ी की बात आई, अगर हल्का भी गड़बड़ रहता तो फ्रंट पेज पर हेडलाइन वही छपता। अब साथ लीजिए, मिल नहीं रहा है, अब टेक्नोलॉजी में सुधार, उसके माध्यम से विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह सब काम किया गया है, आपका मैट्रिक का भी और प्लस टू तक का इंटर का, ये सारा काम हम लोग अब एक एक चीज के लिए कर रहे हैं। उन्नयन बिहार के आ जाने के बाद जान लीजिए बच्चे बच्चियों के छात्र छात्राओं की संख्या क्लास बहुत इंप्रूव करेगी और बहुत आसानी से सब चीज को समझेगा, ज्ञान बढ़ेगा। अभी जिस ढंग से पढ़ाया जाता है उससे जितना वो परंपरा चलती रहेगी, क्लास के माध्यम से पढ़ाना वो परंपरा चलती रहेगी, लेकिन उन्नयन बिहार के मामले में जो एक टीवी स्क्रीन पर सारी बातों को रखा जाएगा, जिसके बारे में भी कुछ संक्षिप्त बताया गया, और एक एक चीज हमने तो देखा भाई बांका में कि जो विद्यार्थी थे कई चीजों को तो वही बोलने लगे। यानी इतनी अच्छी स्कीम और केंद्र सरकार ने भी इसको पुरस्कृत किया, अब तो खैर पूरे बिहार में हम लोग इसको लागू कर देंगे और हम चाहते हैं कि सब लोग पढ़े, सिर्फ स्कूल नहीं बना देना। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो किया है कि बहुत लोग और पढ़े हायर एजुकेशन, गरीबी के कारण लोग अपने बेटे बेटियों को आगे नहीं पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बैंक का उतना सहयोग नहीं मिला तो अब शिक्षा वित्त निगम बना करके हम लोग कर रहे हैं, 4 लाख रुपए तक का ऋण दे रहे हैं 4% ब्याज पर, और लड़कियों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए 1% का ब्याज दर, और ये सब काम कर रहे हैं और सरकार ने पूरी गारंटी दे दी है। अब अच्छी खासी संख्या में लोग इच्छा प्रकट करने लगे हैं तो अब आगे पढ़ें, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो बच्चे आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम,